आफ्टरनून बच्चों, हमारा जो टॉपिक है फूड एंड फन, इसके अंडर हम आज पढ़ेंगे कि जो मिल्क है, मिल्क का क्या काम है, यानी कि मिल्क हमारी फूड में क्या काम करता है। तो हम मिल्क के बारे में पढ़ेंगे आज, यानी दूध, जिसको हम दूध बोलते हैं। तो जो ये मिल्क है ये कंप्लीट फूड मानी जाती है, यानी कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड। बच्चों आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है वो तो खाना नहीं खा सकता है, ना उसके दांत होते हैं, ना वो खाने को डाइजेस्ट कर पाता है, तो इसलिए उसको क्या देते हैं, चाहे बोतल में डाल के चाहे ऐसे फीड करवाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम उसको पीने के लिए क्या देते हैं, दूध देते हैं। तो आपको पता है कि दूध में क्या क्या होता है, दूध में प्रोटीन्स, दूध में प्रोटीन्स होते हैं, ये यानी कि जो दूध है दूध में हर कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जो इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और इसमें एंड विटामिन्स, विटामिन्स होते हैं। यानी कि देखो इसमें कितनी चीजें होती हैं, एक तो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, दूसरे इसमें फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। अगर इंसान कुछ भी ना खाए, अगर वो दूध ही पिए, तो जब पेशेंट होता है, इंसान बीमार होता है, तो डॉक्टर भी उसको एडवाइस करता है कि आप दूध पियो, यानी कि ये अपने आप में ही एक सबसे कंप्लीट फूड मानी गई है। इतनी ताकत इस फूड से नहीं आती है जितनी कि इस दूध से आती है, तो ये बहुत ही प्रोटेक्टिव फूड मानी गई है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं या कुछ हैवी चीज होती है चबा नहीं पाते हैं, तो उनको खासकर जो खाना वगैरह होता है खाने की जगह उसको दूध ही पीने के लिए दिया जाता है। तो आप ये याद रखना कि जो दूध है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें दूध पीना चाहिए, इससे हमारी सेहत फिट रहती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, पढ़ेंगे हम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रेश होती हैं ताजी, और वेजिटेबल्स बोलते हैं सब्जियों को, जैसे इसमें है हाक है, कड़म है, मूली है, गाजर है, आलू है, बीन्स है, मटर है, प्याज है, यानी कि पालक है, जितनी भी ये सब्जियां हैं, तो इनको हमें मतलब ताजी खानी चाहिए। तो ताजी सब्जियां जो होती हैं ये हमारी बॉडी को फिट रखती हैं, यानी कि इतने फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स हमें इतने मिनरल्स और विटामिन्स नहीं दे पाते हैं जितनी कि ताजी सब्जियों में आयरन और विटामिन्स, कैल्शियम्स होते हैं। यानी कि इसमें एक तो विटामिन्स होते हैं, दूसरा इसमें आयरन होता है, आयरन होता, वो आयरन नहीं लोहा, इसमें आयरन होता है जिससे ब्लड बनता है, आयरन होता है इसमें, कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसलिए हमें कैसी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ग्रीन एंड लीफी, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। तो हमें हरी और ताजी सब्जियां खानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो विटामिन्स हैं वो किस किस चीज में होते हैं, यानी कि हमारी जो फूड है, जो हम फूड खाते हैं, चाहे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, तो उनमें किस किस में विटामिन्स होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, यानी कि जो फूड सोर्सेस हैं, जो हम भी जो चीजें हम खाते हैं, तो उनमें किस किस आइटम में विटामिन ए होते हैं। पहला तो पालक में, जिसको हम स्पिंच बोलते हैं, SPINACH, पालक में। दूसरा एग्स में,
जो अंडे होते हैं उनमें होता है विटामिन ए, और मैंने बताया मिल्क में तो होता ही है। फिर उसके बाद कैरेट में होता है, गाजर, उसके बाद किस में होता है, पपीया में, जो फ्रूट है जिसको आप पपीता बोलते हो। तो और होता है स्वीट पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में। तो ये जो है ये विटामिन ए होते हैं, इन जो आइटम्स में विटामिन ए होते हैं। फॉर सोर्स ऑफ विटामिन बी, ए में हमने पढ़ा क्या क्या होता है, अब विटामिन बी में क्या क्या होता है। विटामिन बी में चीज, पनीर जिसको बोलते हैं, दूसरा इसमें होती है फिश, मछली, और होता है मिल्क इसमें भी आता है। उसके बाद आती हैं बीन्स, जिसको हम फलियां बोलते हैं, ग्रीन बीन्स। उसके बाद है रेड मीट, और बनाना, बनानास। तो ये जो है ये विटामिन बी है, किस किस में, पनीर में, मछली में, दूध में, फलियों में, और मीट में, और बनानास में, इनमें विटामिन बी होती हैं। फूड सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन ए भी हमने पढ़ लिया, विटामिन बी भी मैंने आपको बताया, अब विटामिन सी किस किस आइटम में होता है। पहला लिखेंगे ऑरेंज, संतरा, ये हमें खाना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। फिर दूसरा है पोटैटो, आलू, और फिर उसमें लिखेंगे हम आलू के बाद लिखेंगे कैबेज, इसमें भी विटामिन सी होता है। कैबेज के बाद हम लिखेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी के बाद हम लिखेंगे टर्निप, टर्निप। तो इनमें क्या होता है, एक तो आज हम पांच ही इसमें करेंगे, विटामिन सी में ऑरेंज है, पोटैटो है, कैबेज है, स्ट्रॉबेरी है, एंड टर्निप है। तो ये हमने कर दिया, अब हमारे पास बचते हैं विटामिन डी। अब हमारे पास है फूड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी में मतलब किस किस फूड आइटम्स में होते हैं, पहले लिखेंगे हम एग्स, अंडों में होते हैं, अंडों के किस में, योल्क्स में। उसके बाद ऑरेंज, संतरे में, ऑरेंज जूस में, यानी कि हमें ऑरेंज का जूस पीना चाहिए। सीरियल्स, अनाज जो होते हैं, किसी भी किस्म का अनाज, जैसे चावल है, आटा, गेहूं है, राइस है, CERELS, सीरियल्स, अनाज, चाहे चावल हो, आटा हो, मक्की हो, इनमें भी क्या होते हैं, विटामिन डी होते हैं। फिश में, मछली में, मशरूम में, मशरूम तो आप जानते हो, ये ज्यादातर पहाड़ों पे होते हैं, और सनलाइट, ये जो है सन, सन हीट, सन हीट जो है, हाँ सन हीट जो है ये भी हमें क्या देती है, सन हीट एंड लाइट गिव अस विटामिन, विटामिन डी। बच्चों आपने सुना होगा कि इस साल जब कोरोना हुआ था तो डॉक्टरों ने ज्यादातर एडवाइस की थी कि हमें कुछ टाइम के लिए धूप में बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए, क्योंकि जो सन है वो हमें हीट एंड लाइट देता है, तो इसकी हीट जो है उसमें क्या होता है, विटामिन
डी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमें विटामिन डी इससे मिलता है। तो आज अब हम इससे आगे ये पढ़ेंगे कि जो अब वाटर है, अब तो हमने आज पढ़ लिया कि फूड जो है, फूड हमें क्या देते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। तो ये हमने पढ़ा कि विटामिन्स हमें जितने भी मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये हमें किससे मिलते हैं, फूड से मिलते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर। वाटर हमारी बॉडी में होता है, तो आपको पता है हमें पानी, जो पानी है, पानी हमें बहुत पीना चाहिए। मतलब कम से कम दिन के 2-3 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। तो ज्यादा तो पी नहीं सकते हैं, पीना तो 5 लीटर चाहिए, लेकिन हम उतना पी नहीं सकते हैं, तो फिर भी हमें पानी ज्यादा पीने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो पानी है वो क्या करता है, जो भी फूड, जो भी चीज हम खाते हैं, तो उसको वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करता है और हमारी ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तो उससे हमारा जो ब्लड है वो अच्छी तरह से सर्कुलेट करता है। तो ये जो गंदा मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर होता है, वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में होता है उसको थ्रो आउट करता है। उसको क्या करता है, वेस्ट मटेरियल क्या क्या है हमारी बॉडी में, जैसे कि हमें पसीना आता है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हमें पसीना आता है, तो जितना हम पानी पियेंगे तो वो पसीने के थ्रू हमें बाहर निकल जाता है, या हम यूरिन करते हैं, तो ये जो है ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से ये बाहर निकालता है और हम फिट रहते हैं। तो इसलिए हमें जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।